Dear students, welcome back to my YouTube channel, College English Education. हम लोग प्रोनाउन सेक्शन को पढ़ रहे हैं. प्रोनाउन सेक्शन में अब तक आपको बताया गया प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं. जहां पे हमने आपको बताया कि प्रोनाउन इज ऑफ 10 काइंड्स, प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं. उस 10 प्रकार में अब तक हम लोग जो है ना फर्स्ट डे सेकेंड क्लास में जो है ना 4 टर्म्स को पढ़ चुके हैं. यानी अब तक आपने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन. आप अगर पढ़े हैं तो इसके पहले वाले क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो आप इस चैनल के नीचे प्लेलिस्ट बेसिक ग्रामर में जाएंगे और वहां से प्रोनाउन को रिवाइज करेंगे, फिर यहां से देखेंगे. अगर आप नियमित हैं, रेगुलर हैं, तो आपको यहां से समझने की जरूरत है. तो क्लास को शुरू करते हैं. आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और एक एक बात समझने की कोशिश करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा. ओके, लुक हियर. आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रोनाउन के फिफ्थ काइंड के बारे में अध्ययन करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या, डिफाइन करते हैं इसको. व्हेन ईच अदर एंड वन अनोदर is followed without a noun in a sentence is called reciprocal pronoun. आप यहां दो वर्ड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ईच अदर और वन अनोदर. तो जब किसी सेंटेंस में ईच अदर और वन अनोदर का प्रयोग बिना किसी नाउन का किया जाए तो इन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है. कैसे, लुक हियर. सबसे पहले आप इन दोनों का हिंदी मीनिंग जान लेंगे. एच ईच अदर मतलब होता है एक दूसरे को या एक दूसरे से, केवल दो के लिए. नेक्स्ट हो गया वन अनोदर, सेम मीनिंग के लिए रखेंगे, एक दूसरे को या एक दूसरे से, दो से ज्यादा के लिए. तो आप यहां फोकस कीजिएगा, केवल दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए. कैसे, तो हम एक सेंटेंस देते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट करके समझ लिया जाए कि कैसे या एक दूसरे के लिए होते हैं या एक दूसरे से, सिर्फ दो के लिए होते हैं या दो से ज्यादा के लिए होते हैं. ये इज अ सेंटेंस. जैसे देखते हैं, राम और श्याम एक दूसरे को पसंद करते हैं. राम और श्याम, राम एंड श्याम पसंद करते हैं. किसको, एक दूसरे को. कितने आदमी हैं एक दूसरे को पसंद करने वाले, दो आदमी हैं. आप यहां लिखेंगे ईच अदर, राम एंड श्याम लाइक ईच अदर. अब इस सेंटेंस को हम ऐसे रख ले, राम श्याम और गोपाल
एक दूसरे को पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति हुआ? एक दो तीन व्यक्ति हो गए, यानी दो से ज्यादा हो गए। आंसर देखिएगा, राम, श्याम एंड गोपाल लाइक, राम श्याम एंड गोपाल लाइक। राम श्याम और गोपाल पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो यहाँ एक दूसरे को पसंद करने वाले लोगों की संख्या जो है ना, दो से ज्यादा है। तो आप लिखेंगे वन अनोदर। इट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन अनोदर। हालांकि दोनों जो है आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहेंगे? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया? बस ईच अदर और वन अनोदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और ये जो है ना, एक दूसरे के बीच में संबंध को दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम और आप दो ही व्यक्ति हैं और हम दोनों के बीच में अगर कोई बातें हो जिसे हम इंडिकेट करना चाहते हो, तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग करेंगे एक दूसरे के लिए। और मान लीजिए कि हम आपके अलावा भी कोई और आता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, तीन हो, दस हो, पचास हो, और उनों के बीच में एक दूसरे के प्रति अगर कोई भी संबंध दिखाना हो, तो वहां पे वन अनोदर का प्रयोग करते हैं। ईच अदर और वन अनोदर के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दैट्स ईच अदर और वन अनोदर को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आता है? चलिए आप इसको नोट करेंगे और इसके आगे हम लोग देख लें कि अन्य प्रोनाउन में कैसे कैसे वर्ड के प्रयोग होते हैं और हम उसे अपने डेली लाइफ में इन स्पोकन एंड रिटेन इंग्लिश कैसे यूज करेंगे। ओके, राइट डाउन। प्रोनाउन सेक्शन में इसके फाइव काइंड्स का अध्ययन किया। इसके आगे देखते हैं आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? डिफिनेशन के अनुसार आएंगे, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट the cause and means of an action to the subject is called reflexive pronoun। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो किसी एक्शन के कॉज और मींस दोनों को सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसका कोई ना कोई कारण होता है और कोई ना कोई साधन होता है। तो जब अपने क्रिया के, अपने काम का कारण और साधन स्वयं सब्जेक्ट होता हो और जिस वर्ड से इस बात को दर्शाया जाता हो, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। हालांकि आप जो है ना डिफिनेशन को ऐसे भी नोट कर लेंगे, और द प्रोनाउन विच डिनोट्स that the cause and means of an action is the subject
itself is called reflexive pronoun. अब ऐसे भी आप समझ लीजिए, वह प्रोनाउन जो दर्शाता है कि किसी क्रिया के कारण और साधन स्वयं सब्जेक्ट है तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। कैसे? तो यहां हम कुछ वर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं या डिनोट करते हैं। एच टर्म होता है माई सेल्फ, इट मीन्स स्वयं मैं। Ourselves, स्वयं हम लोग। Yourself, स्वयं तुम। Yourselves, स्वयं तुम लोग। फिर होता है हिमसेल्फ, स्वयं वह। प्रयोग किसी पुरुष के लिए करते हैं फॉर्मल, हरसेल्फ, स्वयं वह। प्रयोग किसी स्त्री के लिए करते हैं फॉर फीमेल, इटसेल्फ, स्वयं वह या यह। आप इसका प्रयोग किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं या छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़ों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट होते हैं देमसेल्फ्स, स्वयं वे लोग। हालांकि इसका प्रयोग आप सभी के लिए कर सकते हैं। इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपने सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया, यानी हमने जाना कि ऐसे वर्ड को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसके यूज को कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो आप इसे नोट कीजिए और जस्ट इसके बाद हम लोग इसके यूज के बारे में अध्ययन करेंगे कि इन सभी शब्दों का प्रयोग हमारे रिटन और स्पोकन इंग्लिश के लिए कैसे करेंगे। आपको ट्रांसलेट करना हो या ग्रामर में यूज करना हो या किसी भी जर्नल कंपटीशन के लिए आप जब कॉमन एरर के अंतर्गत आएंगे या अन्य किसी मकसद पर्पस से इसका यूज करेंगे तो यूज का क्या सिस्टम होता है। यहाँ जो और सेल्फ देख रहे हैं इसको ओ बना लेंगे। दूसरी बातें है, यहाँ आप दो टर्म को देख रहे हैं, योर सेल्फ और योर सेल्फ। अभी तक आपने सेकेंड पर्सन यू सेक्शन में देखा कि सिंगलर हो या प्लुरल हम दोनों के लिए सेम वर्ड यूज करते आए हैं यो, लेकिन यहाँ पे जब रिफ्लेक्सिव टर्म में इसका हम प्रयोग करते हैं तो सिंगलर के लिए योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे और प्लुरल के लिए योर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? ओके, राइट डाउन। लोगों ने प्रोनाउन सेक्शन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक पहुंचे हैं। हमने अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स को लिए हैं, अब इन्हें सेंटेंस में प्रयोग कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए मैं स्वयं बाहर जाता हूं, यानी मैं बाहर जाता हूं, इसका कारण और साधन मैं स्वयं हूं, तो यह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आंसर होता है, हालांकि इसके पहले आप एक पॉइंट को नोट में करेंगे। इन नोट पॉइंट उपयोग
शब्दों मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। उपयुक्त शब्द मतलब अभी अभी जो शब्द के बारे में आपको लिखाया गया, माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इन सभी का प्रयोग जो है ना सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। कैसे? तो यहां एक चार्ट को आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए यह सब्जेक्ट होता है जो आपके सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन रहेगा, जिसके लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेलेक्ट करेंगे। और मान लीजिए सब्जेक्ट आई है तो रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है, सब्जेक्ट वी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और सेल्फ का प्रयोग होता है। यू यदि सिंगुलर फॉर्म में हो तो आप इसके लिए योर सेल्फ लिखेंगे, और यही यू जब प्लुरल फॉर्म में हो तो आप इसके लिए योर सेल्फ्स लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट ही हो या किसी भी पुरुष का नाम हो तो आप इसके लिए हिमसेल्फ को सेलेक्ट करेंगे। अगर यही सब्जेक्ट सी हो या किसी स्त्री का नाम हो तो आप इसके लिए हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट इट हो या कोई निर्जीव वस्तु हो तो आप इसके लिए इट सेल्फ का प्रयोग करेंगे। और अगर यह सब्जेक्ट दे हो या कोई प्लुरल नाउन हो तो आप इसके लिए देम सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये तो प्रोसेस हो गया कि हम कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे। अब एग्जांपल को यहां पे रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं स्वयं बाहर जाता हूं, मैं बाहर जाता हूं, इसका कारण भी मैं स्वयं हूं और इसका साधन भी मैं स्वयं हूं। आंसर इज ही है आई गो आउट माई सेल्फ। इसे मान लीजिए वह स्वयं पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, इसका साधन वह स्वयं है, इसका कारण वह स्वयं है। आंसर इज हियर ही राइट्स अ लेटर हिमसेल्फ। जैसे मान लीजिए कभी कभी इस स्वयं के जगह पे आप ऐसे इस टर्म का प्रयोग कर लीजिए, वह खुद पत्र लिखता है, सीता अपने आप यहां आती है। ये सब बोल चाल के भाषा में यूज करने वाले शब्द हो गए, इसका मूल रूप स्वयं ही होता है, वह स्वयं पत्र लिखता है या वह खुद पत्र लिखता है, सीता अपने आप यहाँ आती है या सीता स्वयं यहाँ आती है या सीता खुद यहाँ आती है। इट मीन्स सीता यहाँ आती है लेकिन यहाँ आने का साधन और कारण स्वयं सीता है, और इस केसेस को यानी इस प्रकार के टर्म्स को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है। कहीं कोई प्रॉब्लम? ओके, तो लुक हियर, सीता कम्स हियर, तो जब सब्जेक्ट सीता हो किसी स्त्री का नाम तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। बोले एनीबॉडी एनी डाउट? यहां तक आपने जो है ना बात को समझ लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते किसे हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग
कैसे करते हैं। ओके राइट डाउन। आगे हम लोग एक अन्य टर्म को भी देख लेते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन में सिक्स प्रोनाउंस के बारे में अध्ययन कर लिया, जिसमें आपने देखा कि अब तक हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को, पोसेसिव प्रोनाउन को, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन किया है। प्रत्येक प्रोनाउन में कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं आप भली भांति समझ चुके हैं। अब यहां पे हम लोग एक अन्य प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन को देखते हैं आप, इम्फैटिक प्रोनाउन। इसके लिए हम कहीं अलग से कोई शब्द लाने की जरूरत नहीं होती है। इनके जो है ना सारांश, राज, सीक्रेट जो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ही छिपा हुआ होता है। कैसे, एक लाइन को आप नोट करेंगे यहां पे, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज टू फोर्स ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज पर डिपेंड करता है कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करेंगे। कभी कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करके हम सब्जेक्ट को पार्टिकुलर कर देते हैं, यानी उस पर जोर देते हैं। तो जब हम उस पर जोर देते हैं तो उस समय यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फैटिक प्रोनाउन का फंक्शन करता है। जब भी बदलाव होगा इसके फंक्शन में बदलाव होगा, रूप तो वही रहेगा लेकिन नाम अलग हो जाएगा। कैसे, तो अभी अभी आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में देख लिया, माय सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिज सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और हिम सेल्फ का प्रयोग आपने रिफ्लेक्सिव में किया। तो इम्फैटिक में आपको कहीं से अलग से शब्द लाने की जरूरत नहीं है, आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे। कैसे, तो अभी जो आपने सेंटेंस देखा, मैं स्वयं बाहर जाता हूं, हम इस सेंटेंस को ऐसे रख लेते हैं, मैं स्वयं ही बाहर जाता हूं, मैं स्वयं ही बाहर जाता हूं। इट मीन्स इस बार कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि हमारे इस काम में किसी अन्य व्यक्ति का सपोर्ट हो, यानी साधन हो या कारण, कहीं लेस मात्र भी हम किसी से सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। इस परिस्थिति में हमारी आंसर होती है आई माई सेल्फ गो आउट। जैसे वह खुद ही पत्र लिखता है, खुद ही, यानी आप सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, ही हिमसेल्फ राइट्स अ लेटर। जैसे मान लीजिए सीता अपने आप ही यहां आती है, अपने आप ही, यानी पुनः हम सब्जेक्ट पर फोर्स कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, सीता हरसेल्फ कम्स हियर। अब आप देखेंगे कि कहां कोई परिवर्तन हुआ इसमें, हमने जैसे स्वयं के लिए आई के साथ माई सेल्फ लिखा, ही के साथ हिमसेल्फ लिखा, सीता के लिए हरसेल्फ लिखा, तो फिर ये कैसे रिफ्लेक्सिव और कैसे इम्फैटिक हो गए। अंतर है जी, थोड़ा सा अंतर है। आप यहां पे एक सेंटेंस को देखिएगा, अभी हम लोगों ने एक सेंटेंस लिखा है आई गो आउट
माई सेल्फ। अभी आपने लिखा आई माई सेल्फ गो आउट, ये प्लेस का डिफरेंस हो गया, माइनर डिफरेंस आपको यहां पे देख रहे हैं। तो इन चीजों को आप कैसे समझेंगे, देखिए बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको इम्फेटिक बनाने के लिए हमें अलग से किसी प्रकार के वर्ड लेने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसे इम्फेटिक बनाने के लिए हमें कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत होता है। यहाँ पे हम वर्ड के पैलेस को चेंज कर देते हैं। इस समय हमने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल और विल का प्रयोग पढ़ा रहा था, उस समय हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में अवश्य या जरूर का प्रयोग हो तो आई वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, यानी जस्ट क्रम को पलट देते हैं। तो यहाँ आप मेजर टर्म जो है ना वर्ब पे फोकस करेंगे, आप सेंटेंस में मेन वर्ब को बड़ी आसानी से पहचान लेंगे। उस मेन वर्ब के साथ, अब उस मेन वर्ब के साथ जो है ना, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिफ्लेक्सिव टर्म है इसका प्रयोग वर्ब के पहले हो रहा है या वर्ब के बाद में हो रहा है। अगर ये वर्ब के बाद में होता है तो आप इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। अगर यह शब्द का प्रयोग वर्ब के पहले होता है तब आप इसको क्या बोलेंगे? इम्फैटिक बोलेंगे। इम्फैटिक क्या? इम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। बस इतना ही डिफरेंस है, यानी सेम वर्ड को प्लेस के अनुसार आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन के कैटेगरी में रख सकते हैं। मान लीजिए जैसे आपसे क्वेश्चन होता है शीता हरसेल्फ गोज देयर, सीता अपने आप ही वहां जाती है। अब बोलता है कि बताइए यह हरसेल्फ इम्फैटिक प्रोनाउन है या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? तो सबसे पहले आप मेन वर्ब को देख लीजिए, आप देखेंगे हरसेल्फ का प्रयोग वर्ब के बाद में हुआ या वर्ब के पहले? वर्ब के बाद या वर्ब के पहले? मेन वर्ब के पहले हुआ। तो यदि यह मेन वर्ब के पहले होता है तो आप इसको कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? इम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। किसको? गोज को? नहीं, बिल्कुल किसको बोलेंगे? हर सेल्फ को इम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। तब ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ये गोज के बाद जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? बात आपको आसानी से समझ में आया कि हम इम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर को कैसे पहचानेंगे और कैसे इसका प्रयोग करेंगे? ओके, राइट डाउन, आगे देख लिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लर्नर ऑफ इंग्लिश, अब तक हम लोगों ने क्या कहां तक पहुंचा? प्रोनाउन के सेवेंथ काइंड तक, यानी हम लोग देख लिए इम्फैटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं और इनके यूज में क्या अंतर होता है। अब अपने प्रोनाउन के बारे में देखते हैं, यहां से इन्हें बोलते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब डिफाइन कर लीजिए इसको, द प्रोनाउन विच इज यूज टू डिनोट एन अननोन नाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। यह इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वैसे प्रोनाउन को कहा जाता है जिसका प्रयोग हम किसी अननोन नाउन को डिनोट करने के लिए करते हैं। यहां पे आपने एक टर्म देखा अननोन नाउन, ये अननोन नाउन क्या होता है? अज्ञात संख्या, संज्ञा
यानी जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं उसे अननोन कहा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, घटनाएं घटती हैं कि हम कर्ता के बारे में या जो भी हो, ऑब्जेक्ट हो या अन्य कोई थर्ड पर्सन हो, उसके बारे में हमें ज्ञात नहीं होता है कि यह काम किसके द्वारा किया गया या किसके लिए किया गया। तो वैसे टर्म्स को जो है ना हम इंडिफिनिट प्रोनाउन के कैटेगरी यानी श्रेणी में रखे हैं। यह एक ऐसा प्रोनाउन है जो अक्सर अननोन नाउन को दर्शाता है। हाउ, लुक हियर, एज, जैसे सम, कुछ, समथिंग, कुछ भी, ऑल, सभी, सेवेरल, अनेक, मेनी, बहुत, एनी। अब इसको कई स्टेप में लिख लीजिए, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबॉडी। इन सभी का मतलब होता है कोई, सब्जेक्ट के तौर पे किसी ने, और ऑब्जेक्ट के तौर पे किसी को। उसके बाद होते हैं एनीथिंग, कुछ भी। फिर होते हैं नन, नो वन, नोबडी, कोई नहीं, और नेक्स्ट हो गए नथिंग, कुछ भी नहीं, इत्यादि। तो ये सब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनके प्रयोग हम अननोन नाउन को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। अननोन नाउन को दर्शाना हो, अब अननोन नाउन को इंडिकेट करने के लिए कैसे, तो कुछ एग्जांपल आप यहां पे देखते हैं। यहां हमने एक एग्जांपल रखा, कुछ काला है, कुछ काला है। अब बोलिए क्या काला है, कुछ काला है तो कुछ क्या, यानी पता नहीं है क्या काला है, यानी कुछ ना कुछ है जो काला है लेकिन पता नहीं कि वो क्या है जो काला है। तो यदि कोई चीज आपको आभास होता है, फील होता है, लेकिन आप जो है ना कॉन्फिडेंस में नहीं आ पाते हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं कि क्या है, कौन है, किसके द्वारा है, तो ऐसे टर्म को इंडिफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, सम आर ब्लैक, या समथिंग इज ब्लैक। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी है, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी है, मेरी कुर्सी टूट चुकी है लेकिन किसने तोड़ा है पता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई है जो तोड़ा है। तो इस कंडीशन में आप देखिए किसी ने, आप इसके लिए कई टर्म यूज कर सकते हैं, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, समवन या समबॉडी। ये फाइव टर्म में से किसी का भी प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं, इस मामले में आप स्वतंत्र हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि एनी लिखेंगे तो एनीबॉडी नहीं लिखेंगे क्या, ऐसा कोई बात नहीं है। आप ये जो फाइव टर्म्स देख रहे हैं, इस फाइव टर्म से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे समवन हैज ब्रोकन माई चेयर, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी है। जैसे मान लीजिए बहुतों ने हल्ला किया, किसने हल्ला किया,
बहुतों ने, अब पता नहीं किसने किया, बहुत सारे लोग थे हल्ला किए, हम नहीं जानते हैं कि किसने हल्ला किया, तो बहुतों ने हल्ला किया, इसके लिए आप लिखेंगे मेनी मेड अ नॉइज इत्यादि। समझ में आ गया? एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, यानी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यहां तक। तो अब तक आपने भली भांति एक प्रोनाउंस के बारे में क्लास को जो है ना कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आपको हर एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर बातें आपको समझ में आ गया तो आपके पास जो भी बेसिक जूनियर ग्रामर हो आप वहां से प्रोनाउंसिएशन का अपने से सेल्फ स्टडी करेंगे या इसका नोट्स बनाए और सेल्फ स्टडी करें, ट्रांसलेशन में इन सभी शब्दों का प्रयोग करें। जिससे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए यह भाषा या लैंग्वेज जो है ना परफेक्ट होता चला जाएगा और आप भी परफेक्ट हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बाकी जो रेस्ट रह गए अभी हम लोग को दो प्रोनाउन का और अध्ययन करना है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ, अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करें ताकि जो भी नए अपडेट्स होंगे या जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे समय से इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और घर बैठे आपकी तैयारी इजी वे में होता रहेगा। ओके, राइट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।